नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं लक्ष्मी सिंह राजपूत, प्रस्तुत है समाचार। केतार से हमारे संवाददाता रविकांत वर्मा की रिपोर्ट। कोविड-19 की जांच में 3 पॉजिटिव मिला। केतार मुख्य बाजार स्थित राजकीय मध्य विद्यालय के प्रांगण में कोविड-19 की जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में प्रखंड कर्मी, स्वास्थ्य सहिया, पत्रकार, दुकानदार सहित अन्य लोगों की कोविड-19 की जांच की गई। MPW मनोज पाठक ने बताया कि केतार प्रखंड में कोरोना की जांच युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जिस प्रकार आज लोगों को सहयोग मिला, यह बहुत ही सराहनीय है। श्री पाठक ने बताया कि हम लोगों को 300 कोविड-19 जांच का लक्ष्य मिला था, जो पूरा कर लिया गया। इस जांच में 3 कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। लोगों की इस सहयोग से केतार प्रखंड में कोविड-19 की हार निश्चित है। क्या कहते हैं प्रभारी चिकित्सा, क्या कहते हैं चिकित्सा पदाधिकारी, आइए सुनते हैं। मैं मनोज कुमार पाठक, MPW स्वास्थ्य केंद्र केतार में कार्यरत हूँ। सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसार जो संपूर्ण लॉकडाउन के द्रव्यमान में जो दुकान जो है खुले थे, राशन का दुकान, फल का दुकान, मेडिकल दुकान, सब्जी का दुकान, उस प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी माननीय दिनेश सर और प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश के अनुसार जो है आज 27 तारीख को केतार मिडिल स्कूल में कैंप का जो है आयोजन किया गया है। कि केतार जो है हमारा कंटेनमेंटल जो जोन बना हुआ था, हमारा उद्देश्य है कि मैं कंटेनमेंटल जोन को यहां से कोविड-19 का जांच करते हुए यहां से मैं कोरोना को मुक्त कर दूं। और मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कोरोना को यहां से जो है मुक्त कर ही रहूंगा। ये हमारे जो है प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दिनेश सर का एक युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। और जो है युद्ध स्तर पर कार्य जो कैसे चल रहा है, जरूर कोरोना यहाँ से हारेगा केतार प्रखंड से। धन्यवाद। आज जो कोविड-19 की जांच हो रही है, इसमें क्या लक्ष्य है और जो केतार बाजार बंद है, ये कब तक खुलेगा, कोविड-19 से इसका संबंध क्या है, इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी दें। आज हम लोग का 27/8/2020 का जो आज हम लोग का कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का जो आज हम लोग कार्यक्रम है, जिसमें जितने भी यहाँ पे व्यवसायी वर्ग हैं, फल दुकानदार हैं और जितने भी यहाँ पे लोग काम करते हैं, जो बाहर से आकर सामान लेते हैं, उन सभी व्यवसायियों को आज यहाँ पे कोविड-19 टेस्ट के लिए स्पेशली बुलाया गया है, जो कि किसी भी व्यक्ति को कोविड पॉजिटिव ना पाया जाए। अगर यदि किसी व्यक्ति को कोविड-19 पॉजिटिव नहीं पाया जाएगा तो यहाँ से कंटेनमेंट जोन को हटा लिया जाएगा। सर, यहाँ लक्ष्य क्या है, कोविड-19 जांच का लक्ष्य क्या है केतार प्रखंड? यहाँ पे आज का हम लोगों का 300 रैपिड एंटीजन टेस्ट किट का आज लक्ष्य है जी, जो अभी तक 155 हो चुका है जी। और 5 बजे तक कैंप रहेगा, कोशिश रहेगा कि आज लक्ष्य प्राप्त कर लें। सर, जो कैंप यहाँ केतार लगा हुआ है, हम लोग चाह रहे हैं कि पंचायत वार जो है, पंचायत सचिवालय में या आपका स्वास्थ्य उपकेंद्र जो है, वहाँ ऐसा कैंप लगाया जाए ताकि हर पंचायत के जो व्यक्ति जांच कराना चाहते हैं उनका जांच हो। उसका हमने माइक्रो प्लान तैयार कर चुका हूँ और सभी HSC पर उसका बनाया हुआ है माइक्रो प्लान, उस हिसाब से कोविड-19 की जांच होगी। छोटी बड़ी हर खबर डेली न्यूज झारखंड पर, तो सब्सक्राइब करें डेली न्यूज झारखंड, सबसे पहले सबसे तेज।